लटका के रखा, हमें रेफर नहीं किया, उस मशीन का वेट किया इन्होंने, तब जाके ऑपरेशन किया और फिर डेड डिक्लेयर कर दिया। मेरा नाम शिल्पा है। अब अपनी फील कर रहे हैं कि हमारी गलती थी, मैं यही चाहता हूँ कि सर लाइव घूमी आए, घूमी आए, पता तो चले कि कैसे हॉस्पिटल में क्या काम हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। कि कल को किसी और के साथ ये सब चीजें ना हो, किसी और के सिर से बाप का साया ना उठे। इनकी कार्डियोलॉजी विभाग में इलाज के दौरान एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है, तो जब हमने उस यथास्थिति को जानने के लिए वहाँ पहुँचे और उसके बाद हमने वहाँ पर स्टाफ मेंबर्स और मरीज के तीमारदारों से बात की, तो हम ये स्पष्ट कर देना चाहेंगे कि इस तरह का कोई भी इशू नहीं है कि लापरवाही का कोई मामला है या किसी और चीज़ का कोई मामला है, केवल और केवल आपसी जो है वो दुर्व्यवहार, ऐसा इस तरह के आरोप प्रत्यारोप दोनों पक्षों से एक दूसरे के प्रति लगाए गए हैं, जो मैं समझता हूँ कि ऑपरेशन करना था, उस मशीन के वेट करते रहिए और हमें 10 दिन तक लटका के रखा, हमें रेफर नहीं किया, उस मशीन का वेट किया इन्होंने, तब जाके ऑपरेशन किया और फिर डेड डिक्लेयर कर दिया। मेरा नाम शिल्पा है। अब अपनी फील कर रहे हैं कि हमारी गलती थी, मैं यही चाहता हूँ कि सर लाइव घूमी आए, घूमी आए, पता तो चले कि कैसे हॉस्पिटल में क्या काम हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। कि कल को किसी और के साथ ये सब चीजें ना हो, किसी और के सिर से बाप का साया ना उठे इनकी गलतियों की वजह से। बूढ़ी दादी घर में कैसे लेके जाए सर, ये खुद हार्ट पेशेंट है सर। सर आप कहाँ से हो और कितने दिनों से एडमिट थे आपके फादर? सर हम हैं सरगाघाट से। सर कितने दिनों से एडमिट थे आपके फादर? एडमिट नहीं थे सर, उन्हें वो मतलब 10 दिन हो गए सर, हम आए थे, इन्होंने कहा कि आप शिमला में इन्हें रख लो और चलने फिरने मत देना, ठीक है। और जैसे हम कल दोबारा यहाँ पे एडमिट हुए तो इन्होंने आज ऑपरेट करना था बुधवार को, हमें मतलब 10 दिन हो गए सर, जब केस क्रिटिकल था। तो हमें हम यही चीज़ है सर, मीडिया के माध्यम से मैं यही चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर केस क्रिटिकल था तो आप हमें PGI रेफर करते, एम्स भेज देते। क्यों नहीं इन्होंने हमें रेफर किया यहाँ से? मशीन का वेट किया इन्होंने ऑपरेट करने के लिए, ये तो गलत बात है ना, हम आगे ले जाते। सर वो मशीन ही अभी जाके पता चला, जब हम डॉक्टर जनक सर के ऑफिस में बैठे हुए थे तभी डॉक्टर मारवा जी ने ये बात बोली कि सर मंडे को मशीन है, डॉक्टर जनक जी के साथ वो बैठे हुए थे, आप लाइव लाइव से भी बुलाए, हमारे पास तो हर चीज है सर। मतलब ये चीजें काफी गलत है और मैं तो ये चाहता हूँ CM सर से भी और PM सर से भी कि ये वीडियो आप तक जरूर पहुंचे, कि अभी 20-22 साल की उम्र है, बाप का साया चला गया है सर, तो हमें भी अब ये तो मेरा दिल नहीं जान रहा, मैं कैसे कैसे बोल रहा हूँ क्या चीजें है ना सर, ये तो हमारा दिल नहीं जान रहा अभी क्या चीजें हैं। मैं ये चाहता है इसकी हाई लेवल तक ये जाए और पता चले कि जो जाना माना हॉस्पिटल IGMC इसमें क्या क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। आज हमारे फादर के साथ हुआ, कल किसी के फादर के साथ ही चीजें ना हो, मेरा यही मोटिव है। जो चले गए उन्हें तो चले गए, पर लेकिन डॉक्टर ने काफी लापरवाही और जैसे नर्स कभी चीफ ऑपरेट डॉक्टर मारवा ने करना था आपके फादर? हाँ उन्होंने किया सर, डॉक्टर राजेश मारवा, अभी हम डॉक्टर जन सर के ऑफिस में बैठे तो उन्होंने बोला कि मशीन नहीं थी हमारे पास, गिल्टी फील की ये करके। और मैं डॉक्टर जनक सर और डॉक्टर राजेश मारवा से यही क्वेश्चनिंग कर रहा हूँ कि जब मेरे फादर साहब पूरे 10 दिन हो गए क्रिटिकल थे तो आप आगे भेज देते, अब जाके पता चल रहा राजेश मारवा जी बोल रहे कि मशीन ही मंडे को आई, ये चीज सर काफी गलत है। मशीन यहाँ पर अवेलेबल नहीं मैम, बिल्कुल OC पता नहीं कार्डियो की कौन सी होती है, वो OBG की OCG कोई भी है, ये करके ये तो अभी जाके हमें पता चला, इस चीज का पता चला कि वो मशीन मंडे को है, तो 9-10 दिन का प्रोसेस है। तो इन्होंने पहले करना था पर इनके पास मशीन ही नहीं थी, मशीन की वजह से। नाम संजय राणा, मैं तहसील सर, मैं मेरे जो अभी उनकी एज सर 46 थी और पहली बार वो हॉस्पिटल में आई, वो सर जब हम हॉस्पिटल आते उन्हें हार्ट की एंजियो कर रहे, तो हम एक कोई 9-10 दिन हो गए सर, तो उन्होंने कहा क्रिटिकल केस है, ये करते तो स्टंट बनेगा, तो बुधवार को सर, तो 10 दिन हो गए, जब क्रिटिकल केस था तो आप PGI या दिल्ली भेज देते हमें, ठीक है सर।
अभी जाके डॉक्टर जनक सर के ऑफिस में हम बैठे थे करके, तो मारवा सर भी थे जिन्होंने ऑपरेट किए, तो मतलब उनका तो काफ़ी मतलब मिसबिहेव था करके, जब हम बात किए करके तो हमें जो मर्जी करना वो करो, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अब जाके उधर ऑफिस में पता चला कि इसे एनजीओ को कोई एक मशीन होती है ओबीसी की ये करके, कि वही सर्वे मंडे को, अब जाके नहीं तो ये ऑपरेशन अगले मतलब जो पिछला ट्यूजडे था मंडे ट्यूजडे या बुधवार उस दिन होता है। पर वो ब्लॉकिंग बताई थी इन्होंने यहाँ पे कि ब्लॉकिंग है हार्ट में, तो इसके लिए ऑपरेट करने के लिए कि स्टंट भी डल सकता है ये चीज़ें। मेरी एक प्रशासन से और सर एक ही मतलब हमारे सीएम सर और पीएम सर से एक ही मतलब एक ही चीज़ की रिक्वेस्ट है कि इसकी कार्रवाई हाई लेवल पे हो, क्योंकि सर जब मेरा पेशेंट क्रिटिकल था तो आप मुझे पीजीआई भेज देते, आप मुझे एम्स भेज देते, कहीं ना कहीं आप मुझे भेज देते। अब जाके पता चल रहा है कि अब जाके डॉक्टर जनक सर के ऑफिस में बैठे तो अभी जो डॉक्टर राजेश मारवा जी वो बता रहे कि सर ऑपरेट करने की मशीन जो ओबीजी होते हैं वो जाके मंडे को है। तो सर हम पूरी लापरवाही है सर। अब ये बताओ अगर मैं 10 दिन से मर रहा हूँ ठीक है सर, और आप मुझे उसका डोज 10 दिन बाद दे रहे हैं, ये चीज़ें ऑपरेट कर रहे हैं, तो ये तो सर काफ़ी गलत है ना। तो एक छोटा सा एग्जांपल है सर, मतलब तो जो मैंने अभी बताया कि अगर मैं मर रहा हूँ तो आप मेरे को 10 दिन बाद ऑपरेट करोगे, या आप मेरे को कहीं भेज दो, पीजीआई भेज दो, कहीं भेज दो आप मुझे। अभी जाके बैठे हुए थे तो अभी जाके सर पता चला, यही चीज़ पता चली कि जो मशीन है वो मंडे को एनजीओ की जो ऑपरेट कर रही है। मेरी नर्सी काफ़ी मिसबिहेव था और डॉक्टर राजेश मारवा तो काफ़ी जो हमें तो बोलते हैं जो मर्जी करना वो करो। अभी जाके फिर हमें बैठाया गया है करके उधर कार्डियो के उसमें जहाँ वो कार्डियो के हटे हैं करके, तो उधर जाके उन्होंने माफ़ी मांगी कि मैम ये हाइपर हो गया था, डॉक्टर सर ने बोला कि मैम ये हाइपर हो गया था। यहाँ पे जब पता चला ये चीज़ें कि जो ऑपरेट करने की मशीन है वो ही आपकी मंडे को है, तो ये काफ़ी नेग्लिजेंसी है सर, और इसके लिए कार्रवाई होनी चाहिए और उच्च लेवल पे हो, ताकि दूसरों के साथ ये चीज़ें ना हो। दूसरे आज फादर साहब गए हुए तो ले तो हमारा दिल ही जाना चाहिए। कुछ देर पहले हमारे ध्यान में एक मामला आया कि कार्डियोलॉजी विभाग में इलाज के दौरान एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है, तो जब हमने उस यथास्थिति को जानने के लिए वहाँ पहुँचे और उसके बाद हमने वहाँ पर स्टाफ मेंबर्स और मरीज के तीमारदारों से बात की, तो हम ये स्पष्ट कर देना चाहेंगे कि इस तरह का कोई भी इशू नहीं है कि लापरवाही का कोई मामला है या किसी और चीज़ का कोई मामला है, केवल और केवल आपसी जो है वो दुर्व्यवहार, ऐसा इस तरह के आरोप प्रत्यारोप दोनों पक्षों से एक दूसरे के प्रति लगाए गए हैं, जो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं गैप ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से हुआ है। और ये मरीज जो हैं वो इलाज के दौरान इनको मतलब बहुत गंभीर समस्या इनको रही, इनका 90% से ज़्यादा जो मुख्य धमनी जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है वो ब्लॉक थी, और बहुत बार ऐसा होता है कि जो मरीज एक्सपेक्टेड रिजल्ट लेकर हड़ताल आते हैं, सोचते हैं कि हम ठीक हो जाएंगे या ठीक हो पाएंगे, तो बहुत बार ऐसा होता है कि मरीजों को वो वांछनीय परिणाम नहीं मिलते, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है वो हमारी चिकित्सीय क्षमता से बाहर की चीज़ें होती हैं जी। इस तरह का भी आरोप जो है कि ऐसा है कि कुछ एडवांस टेक्नोलॉजीज आज की डेट में उपलब्ध हैं जिनको सरकारी सिस्टम में उपलब्ध होने में समय लगता है, तो इनके जो क्लॉट था जो जिस वजह से ब्लॉकेज थी हार्ट की नस में, वह एक बहुत सख्त क्लॉट था, वैसी स्थिति में उनको निकालने और ठीक करने के लिए एक इक्विपमेंट है जिसको OCT कहा जाता है, उसकी आवश्यकता है, तो वो OCT इक्विपमेंट हमारे संस्थान में अभी उपलब्ध नहीं है, तो मरीजों की सहूलियत के लिए कार्डियोलॉजी विभाग उस इक्विपमेंट को ऑन रिक्वेस्ट जो है वो कई बार जब 2-4 मरीज इस तरह के इकट्ठे हो जाते हैं तो उनको क्लब करने के बाद एक दिन ऐसा फिक्स किया जाता है, उस इक्विपमेंट को लाया जाता है और उसके बाद उस ब्लॉकेज को ठीक किया जाता है। तो इस तरह का ये मामला था, इसका क्लॉट जो है वो बहुत सख्त था जिसको निकालने के लिए OCT मशीन की आवश्यकता थी, तो वो OCT मशीन का जो डे था वो आज हमें मंडे को ही लिए हमें यहाँ पर हमारे पास वो मशीन आई, आज हमने ट्यूसडे को उसको ट्यूसडे के बाद उसको यहाँ पर प्रोसीजर रखा गया था।
इसके अतिरिक्त इसमें एक और चीज़ होती है कि प्रत्येक मरीज जो भी अस्पताल में मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए आता है वो डेज के हिसाब से उनका ट्रीटमेंट चलता है। देखिए इमरजेंसी एक अलग चीज़ होती है, इमरजेंसी में मरीज का इलाज तुरंत किया। दुश्मन देश में भी अगर आप जाएं, अगर वहाँ आपको कोई मेडिकल इमरजेंसी कोई पड़ती है तो वहाँ के डॉक्टर आपका इलाज आपकी बीमारी के आपकी ज़रूरत के हिसाब से करेंगे, ना कि आपकी राष्ट्र की भावना से। जब इस तरह की समस्या कभी भी उत्पन्न होती है तो जाहिर सी बात है इस पर हमें अपने सिस्टम की जांच के लिए तो हमें निगरानी के लिए कमेटियां बिठा के उसकी जांच तो करनी ही पड़ती है। इसके अतिरिक्त मैं ये आप लोगों को ये स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि मरीज के अटेंडेंट के द्वारा जो शिकायत हमारे पास लिखित तौर पर आएगी, क्योंकि अभी मौके की ही शिकायत हुई है, तो उस शिकायत पर हम जो है वो उचित नियमानुसार जांच करने के बाद जो कार्रवाई वांछनीय होगी वो की जाएगी। और इसके अतिरिक्त हम समय समय के अंतराल पर अपने स्टाफ मेंबर्स और सब लोगों को, जूनियर्स को, स्टूडेंट्स को, बाकी कलीग्स को एक बात हम हमेशा कहते रहे हैं और हम चाहेंगे कि आप प्रेस के माध्यम से हमारे इस संदेश को सब लोगों तक पहुँचाएँ कि अस्पताल में सबसे महत्वपूर्ण कोई चीज़ है तो वो मरीज है। देखिए सबसे महत्वपूर्ण पेशेंट्स होते हैं, पेशेंट्स हैं तो उनके इलाज के लिए अस्पताल बनते हैं और उन अस्पतालों को चलाने के लिए डॉक्टर्स की, हमारी स्टाफ मेंबर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो कतई ये संशय हम अपने मन में ना पाल लें। खासकर स्वास्थ्य कर्मियों को मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि हम किसी पर एहसान कर रहे हैं, हम किसी पर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, बल्कि लोगों की बीमारियाँ के इलाज के लिए हमारी ज़रूरत पड़ती है और हम अपने आप को कृतज्ञ समझते हैं। परिजनों का ये भी जिस तरह कि डॉक्टर आपके ऊपर विश्वास, लोग आपके ऊपर विश्वास करते हैं, पर देखा गया है सर, ये देखा गया है कि डॉक्टर द्वारा जो दुर्व्यवहार यहाँ पर किया जाता है। कुछ दिन पहले की अगर बात करें, एमआरआई की अगर वहाँ पर बात करें, तो सुबह से एक लेडी वहाँ पर बैठी थी, पर्ची देख के उससे बाहर भगा दिया था। तो इस तरह का दुर्व्यवहार यहाँ पर किया जाता है, आपको क्या लगता है कि पेशेंट जो आता है वो एक विश्वास के साथ आता है और डॉक्टर जो भगवान दूसरा रूप यहाँ पर मानते हैं, तो किस तरह से चीज़ें देखते हैं, तो क्या ऐसा होना चाहिए या नहीं? व्यवहार को लेकर तो हम अपने स्तर पर बहुत सख्ती से हम ये कहते रहे हैं कि आप किसी का काम करें ना करें, किसी के साथ दुर्व्यवहार ना करें। इस वाले केस में भी केवल और केवल एक घटना है, उसमें भी यही कहा गया है कि हमें इलाज से कोई समस्या नहीं है, इलाज में कोई लापरवाही नहीं हमें लगती, केवल और केवल व्यवहार को लेकर लोगों ने हमारे पास शिकायत दर्ज की है। तो इस बारे में हम स्पष्ट तौर पर अपने स्टाफ मेंबर को दिशा निर्देश जारी करते रहे, आगे भी जारी करेंगे, आप भी जारी करेंगे कि व्यवहार से संबंधित कोई भी शिकायत जो है उसके लिए हम जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाएंगे ताकि कोई भी व्यक्ति दुर्व्यवहार का शिकार ना हो। देखिए ये मरीज की चॉइस होती है कि उसको कहाँ इलाज करवाना है। हम हमेशा लोगों को ये कहते हैं कि आप जान जा सकती है, उस तरह की कोई समस्या होती है तो उनका इमरजेंसी में तुरंत इलाज किया जाता है। कुछ केसेस मॉडरेट सीवियरिटी के होते हैं जिनको वेट करके हम प्लानिंग के साथ उनको ट्रीट करते हैं। ये उस तरह का एक केस था, दुर्भाग्यवश इलाज के दौरान इनकी मृत्यु हुई है, जिसके लिए हमें भी खेद है और हम इस परिवार के साथ खड़े हैं और उनके लिए मृत व्यक्ति के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। देखिए ऐसा नहीं है, इस तरह के केसेस हमारे संस्थान में रिपीटेडली और पहले भी होते रहे हैं। और वैसे भी एक बात कहें, देखिए माँ के पेट से कोई भी सीख के नहीं आता है, तो मेडिकल कॉलेज में इस तरह की चीज़ें, बहुत सारे नए प्रोसीजर जो डिवाइस होते हैं वो बहुत बार, मैं खुद एक सर्जन हूं तो हमने भी बहुत सारी सर्जरीज ऐसी हैं जो लाइफ में हमें पहली बार करने का मौका मिलता है। इसका कतई ये अर्थ नहीं है कि हम लापरवाह हैं। देखिए लापरवाही एक अलग चीज़ होती है। देखिए किसी की भी निष्ठा पे सवाल उठा देना एक तरफा सुन के किसी को ऐसा कर देने से बहुत बड़ा नुकसान समाज का होता है। हम स्पष्ट तौर पर आप लोगों के समक्ष ये कहना चाहेंगे कि यहाँ पर प्रतिदिन लगभग 2500 से 3000 मरीज विभिन्न विभिन्न बीमारियों का इलाज करने के लिए आता है। इलाज के दौरान बहुत बार ऐसा कई बार हमें देखने को मिलता है कि कुछ लोग व्यवस्था को लेकर शिकायत करते हैं, कुछ लोग डॉक्टरों के व्यवहार को लेकर शिकायत करते हैं, कुछ स्टाफ मेंबर के व्यवहार को लेकर शिकायत करते हैं, तो पर अधिकतर संख्या में अगर देखा जाए तो लोगों का विश्वास हमारे संस्थान पर आज भी कायम है। मैं आप लोगों के समक्ष ये आप लोगों से सब आग्रह करना चाहूँगा, प्रेस वालों से, कृपया करके इस तरह की जब भी कोई घटना हो
तो पूरी तथ्यों की जानकारी के बाद ही इस तरह की खबरों को चलाएं, क्योंकि लोग भ्रम की स्थिति में आ जाते हैं, फिर लोगों को हम व्यवस्था पे विश्वास उठने लगता है। तो ऐसा नहीं है, देखिए हम सब बहुत एक एग्जांपल बहुत बार लोगों को देते हैं, क्या कोई टैक्सी वाला चाहेगा कि मैं अपनी गाड़ी से एक्सीडेंट कर दूं या किसी की जान ले लूं? खाना बनाने वाला कभी नहीं चाहेगा कि मैं खाने में जहर मिला दूं या लोगों को लोग मेरा खाना खा के बीमार हो जाएं। टीचर कभी नहीं चाहता कि मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊँ वो फेल हो जाएँ। उसी तरह डॉक्टर भी कभी नहीं या स्वास्थ्यकर्मी भी कभी ये नहीं चाहते कि हम जिस भी मरीज़ का इलाज कर रहे हैं उसका नुकसान हो जाए या उसकी हम जान ले लें। तो ये हमारे एथिक्स में है, ये केवल बात मेरी नहीं है, IGMC की नहीं है, इंडिया की नहीं है, दुनिया के किसी। हम हमेशा लोगों को ये कहते हैं कि आप मर्जी है आपकी, अगर आपने यहाँ इलाज करवाना है या कहीं और इलाज करना। ये लोग अपने सुविधा के अनुसार या अपने विश्वास के अनुसार अपना अस्पताल और अपने डॉक्टर का चयन करते हैं। तो ये अब पहले ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों नहीं किया, इन सारी बातों से कोई औचित्य नहीं रह जाता, क्योंकि घटना जो घट चुकी है अब इस पर पिछली लकीर को पीटना कि नहीं रेफर कर देते तो शायद हम ठीक हो जाते, ये कर देते तो ऐसा हो जाता, तो इन बेतुकी बातों का कोई औचित्य नहीं रह जाता। हमें केवल और केवल ये देखना है कि कमी कहाँ रही है ताकि आने वाले समय में इस तरह की चीज़ ना हो।